तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेहान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूट्यूब हैंडल को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब हैंडल होता क्या है, यूट्यूब हैंडल के क्या क्या फ़ायदे हैं, यूट्यूब हैंडल की जो अपडेट आई है, न्यू अपडेट है या पिछली पुरानी अपडेट को दोबारा अपडेट किया गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चला जाना जीमेल में। जीमेल में चले जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जी गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है। यहाँ पर मैं यूट्यूब पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है जिसमें वो कह रहे हैं यूअर हैंडल इज़ कमिंग सून, यानी कि मेरा हैंडल अभी तक मुझे मिला नहीं है, यानी कि मुझे आज मिल जाएगा तकरीबन 14 तारीख के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है स्टार्टिंग 14 नवंबर 2022। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स को ये यूट्यूब हैंडल मिल गया और कुछ यूट्यूबर्स को अभी तक नहीं मिला। कुछ छोटे छोटे यूट्यूबर को भी ये यूट्यूब हैंडल मिल चुका है, कुछ बड़े जो यूट्यूबर जिनके 5K एंड 10K सब्सक्राइबर हैं उनको भी अभी तक यूट्यूब हैंडल नहीं मिला। अगर आपको यूट्यूब हैंडल नहीं मिला तो आपने कुछ भी फीडबैक वगैरह नहीं करना, आपको यूट्यूब की तरफ से ये फीडबैक के रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। आपको यूट्यूब ने हैंडल देना ही है, तो हर किसी को यूट्यूब हैंडल मिल रहा है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको यूट्यूब हैंडल मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग्स वगैरह की है क्या है। ये मैं लर्न मोर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर क्रोम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर सर्च होने लग गया है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद दोबारा हम लर्न मोर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसलेट को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर गूगल पर दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने पर आपने अगर नहीं ऑप्शन आ रहा तो आपने दोबारा लर्न मोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने दोबारा फिर सर्चिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर जस्ट नाउ जस्ट वन कर देता हूँ। कर लेने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये दोबारा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यूट्यूब ऐप फ़ौरन ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपके सामने आपका चैनल का नेम वगैरह लिखा आ जाएगा, हाय रेहान टेक ऑफिशियल यहाँ पर, और साथ ही आपका थंबनेल जो होता है वो यूट्यूब हैंडल वो कमिंग सून वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने सर्चिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल विल बी रोलिंग आउट सून। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो भी दिखाई, ये है इसका लिंक है, इस पर आप दबा कर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब हैंडल होता क्या है, जो इसके फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा httpyoutube.com वगैरह से यूट्यूब चैनल सर्च होता था। अब जीमेल वाला एंड लगा के अपने चैनल का नेम लिखें तो अपना चैनल शुरू पे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसकी आइडेंटिटी के लिए ये यूट्यूब ने दोबारा अपनी ओल्ड अपडेट को लेटेस्ट अपडेट कर दिया। यहाँ पर मैं सर्चिंग पे आपको दिखा देता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पर आपने अपने चैनल को जब आपको हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेहान टेक ऑफिशियल। इसका ये फ़ायदा है कि आपका चैनल शुरू में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च कर लेने के बाद आपने क्या, आपके सामने शुरू में ही आपका चैनल आ जाएगा, ये देख सकते हैं। अगर और भी चैनल मेरे नाम पे हैं लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे हैंडल मिलना है, तो इसलिए मेरा आप चैनल देख सकते हैं, मेरा चैनल शुरू में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।